के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि सेना को बुलाकर दिल्ली के प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह को खत लिख रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैं पूरी रात बहुत से लोगों के साथ संपर्क में रहा हूं। हालात चिंताजनक है, पूरी कोशिशों के बावजूद पुलिस हालात पर काबू पाने और भरोसा पैदा करने में नाकाम रही है। सेना को बुलाया जाना चाहिए और शेष प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया जाना चाहिए। मैं इस सिलसिले में गृह मंत्री को लिख रहा हूं। वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कहा है कि मैं आश्वासन देता हूं कि कानून का पालन करने वाले किसी भी नागरिक को कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। पर्याप्त बल तैनात है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दिल्ली में हो रही हिंसा की घटनाओं को काबू करने में जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताते चले आपको कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाल ही में नए सिरे से हिंसा भड़क गई, जिसमें मृतक संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पुलिस भीड़ पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगी रही, जो गोलियों में घूम रही थी। भीड़ में शामिल लोग दुकानों को आग लगा रहे थे, पथराव कर रहे थे और वे स्थानीय लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके में तनाव के दूसरे दिन हिंसा चांदबाग और भजनपुरा सहित कई क्षेत्रों में फैल गई। इस दौरान पथराव किया गया, दुकानों को आग लगाई गई। दंगाइयों ने गोकुलपुरी में दो दमकल वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। भीड़ भड़काऊ नारे लगा रही थी और मौजपुर और अन्य स्थानों पर अपने रास्ते में आने वाले फल की गाड़ियों, रिक्शा और अन्य चीजों को आग लगा दी। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।